हेलो एंड वेलकम टू प्रेपा आई एम प्रशांत योर हिस्ट्री फैकल्टी एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री फॉर फिल्म स्पेशल ओके हिस्ट्री आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे हैं कि सर हिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करें काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज उनके होते हैं तो उसको जो है हमें यहाँ पर टैकल करना है ओके okay? और कैसे टैकल करना है उसके लिए एक प्रॉपर हम स्ट्रैटेजी देखते हैं क्या कर सकते हैं ओके तो चलो हिस्ट्री का क्लास है तो ले स्टार्ट विथ कोर्ट रिगार्डिंग हिस्ट्री ओके okay, तो ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट यू मस्ट नो पास्ट ओके आपका आज पता करने के लिए आपको कल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए एंड दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल ओके okay? तो क्वेश्चन का ट्रेंड पहले समझते कि कितनी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उसका फर्दर ब्रेकअप द फर्स्ट स्लाइड ओवर यहां देखिएगा आपको अगर दिख रहा होगा ओके okay? कि वी हैव डन अ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द क्वेश्चन ओके तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये का है. Okay? This, this, आपको दिखता है कि ऑन एन एवरेज

मेडिकल हिस्ट्री एंशियट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीटली वी कैंस है तो okay. However, इसका फर्दर ब्रेकअप हमें करना चाहिए इन नोट अंडरस्टैंड दिस बेटरऑल एंसर ओवरऑल सारे क्वेश्चन अब इसका अगर फर्दर ब्रेकअप यहां करूँ ओके okay. तो यह है एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ओके okay. और एशियट हिस्ट्री से अगर क्वेश्चंस देखे जाए आप यहाँ पे ओके okay, तो यू विल फाइंड कि 2023 में अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चंस में अराउंड देखो इसको थ्री फोर भी हम कह सकते हैं क्योंकि क्या होता है काफी बार एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव होता है आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री में इंक्लूड किया जाएगा ओके okay. तो ऐसा कहीं जगह पे आपको दिखेगा नहीं चार क्वेश्चन एंड कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स दे हैव इंक्लूडे एज एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ पे

पार्ट ऑफ हिस्ट्री दट इज मेडिवल हिस्ट्री अब मेडिवल हिस्ट्री क्या होता है ना ऑफन इट्स एन इग्नोर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओके स्पेशली व्हेन विट कम टू द यूपीएससी एग्जाम आपको बताया जाता है कि नहीं मेडिवल हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान मत देना या लास्ट में पढ़ना मुझे लगता है कि मेडिवल हिस्ट्री को भी स्कीप नहीं करना चाहिए ओके okay? क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट एज वेल एज द बेसिक जो मेडिवल हिस्ट्री है जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है जैसे आप यहाँ देखना तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से भी ओके थ्री क्वेश्चन हैव बीन आस्ट फ्रॉम द मेडिवल हिस्ट्री और हियर कैन सी ओवर हि फिर टू थाउ ट्वेंटी टू में फोर फोर क्वेश्चन ट्वेंटी और कंसिडरिंग द रिसेंट पैटर्न ऑफ एग्जाम जहां आप एग्जैक्टली exactly बता नहीं सकते कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है ऐसे केसेस में मेडिवल हिस्ट्रू को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए एटलीस्ट कुछ बेसिक एस्पेक्ट तो पढ़ के जाओ ओके okay, अगर चार में से दो क्वेश्चन भी बन गए तो क्या है फोर मार्क्स फोर मार्क्स आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना वर्ट इज यू नो दैट ओके okay, तो इसलिए मैं कह दो कि कोई भी पार्ट एस स्किप मत करना हाँ पार्ट्स को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो ओके बट स्किप एस सच मत करने का ट्राई करिएगा तो उसको मत कीजिएगा एटलीस्ट मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ क्लास के बाद उसको रेफर करने का ट्राई कीजिएगा ओके okay, उतना तो बढ़ के जाइए मिडिल हिस्ट्री के लिए नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर ओके और नेक्स्ट आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री अब मॉडर्न हिस्ट्री जनरली सबसे सेलिब्रेटेड पार्ट है वेन इट कम्स टू द हिस्ट्री सिलेबस वाई बिकॉज द क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री आर जनरली दोज वर ऑन ईजियर साइड ईजियर साइड मतलब अब आजकल उसमें भी डिफिकल्ट होते हैं बट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे होते ना जो कंटेंट आप पढ़ते हो उससे पूछा जाता है और काफ़ी बार उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो ओके okay? तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 2023 में यू विल फाइंड और हियर कि यहाँ अराउंड यू विल फाइंड की थ्री क्वेश्चन है लास्ट ट्वेंटी में अगर देखा जाए तो चार क्वेश्चन है उससे पहले ट्वेंटी में देखा जाए तो देर एक्चुअली अराउंड सेवन क्वेश्चन

या कंप्लीटली एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ मेडिल हिस्ट्री को इग्नोर कर देना इससे नहीं चलेगा आपको हाँ मॉडर्न हिस्ट्री शायद आप और ज्यादा पढ़ के जाओ मेडल हिस्ट्री थोड़ा कम पढ़ो लेकिन सब पढ़ के जाइएगा कहीं से भी एक आधा क्वेश्चन भी अगर हमारा करेक्ट हो जाता है तो उससे हमें फायदा होता है एग्जाम में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज आर्ट एंड कल्चर ओके और आर्ट एंड कल्चर में आपको कंसिस्टेंटली विल फाइंड नंबर ऑफ आर 2023 में आपको दिखता है फाइव क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में अराउंड फोर क्वेश्चन ट्वेंटी वन में थ्री क्वेश्चन आर देर अगेन हियर आर ऑल्सो वन डिस्क्लेमर कि कभी बार क्या हो सकता है कि कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंशियंट या मेडिवल का पार्ट भी यहाँ कैलकुलेट करने में यहाँ कहीं ना कहीं क्या है इंक्लूड किया जा सकता है सब्जेक्टिव होता है थोड़ा सा बट आर्ट एंड कल्चर में भी ऑलमोस्ट आप देखते हो कि चार पाँच पांच क्वेश्चन के आसपास जो है हमने एक्सपेक्ट करना चाहिए बिकॉज आर्ट एंड कल्चर इज ऑलमोस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक की बात नहीं कर रहा हूँ कि एशियट में भी उसके रिगार्डिंग भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आएगा मेडिवल के रिगार्डिंग भी आ सकता है मॉडर्न के रिगार्डिंग भी आ सकता है ओके okay, तो कहीं कही ना कहीं हमें यह कंक्लूजन यहां निकालना है और आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग येस यू कैन प्रायोरिटाइज यूर कंटेंट बट यू शुड नॉट लिव समथिंग एज सच ओके हो सकता है कि आप मेडिवल हिस्ट्री एक दो बार ही पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री जैसे जा बार बार रिवाइज मा करो क्योंकि आपको काफी मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने बट डू नॉट स्कीप दैट चलिए सो वी हैव अंडरस्टूड द ओवरऑल क्वेश्चन पैटर्न ओवर हियर एंड वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे अराउंड फिफ्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन ओके ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से यहां पे होते हैं तो कौन से सोर्सेस से सर इसको पढ़ना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप समझ लेते हैं कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सिस्टम में पूछा जाता है इसको देखिए ऑलमोस्ट ऑल द हिस्ट्री इज फैक्चुअल है ऐसा नहीं कि फैक्ट्स नहीं होते फैक्चुअल है दैट इज देर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट बट उसमें भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप्स क्वेश्चन के हम सेग्रीगेट कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में मदद कर सकता है वाइल आर रीडिंग यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये टाइप ऑफ क्वेश्चन शायद पूछा जाता है तो आई हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर कंटेंट तो देखते हैं कौन से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है दूस आर आस्ट ओवर हियर ओके तो यहाँ आपको यू विल फाइंड ओवर हियर देखिए कि सबसे पहले जो है हिस्टोरिकल साइट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट टाइप और हिस्टोरिकल साइट्स ऑन विच ओके, कभी कभी वो हिस्टोरिकल साइट करंट अफेयर में होती है कभी कभी फॉर एक्साम्पल एक इंडस्टैली सिविलाइजेशन की जो साइट है धोलविरा इसके बारे में धोलाविरा के बारे में यहां क्वेश्चन पूछा गया है okay. इसी तरीके से अर्लियर भी यहाँ आपको दिखते हैं कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्ट ओके ये तो बस मैं एक रिप्रेजेंटेटिव एक क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ हिस्टोरिकल साइट्स होती है फॉर एग्जांपल या फिर की साइट्स कौन सी है? पूछा जाएगा और विच ऑफ द फॉलोइंग इज हरप्पन साइट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा या हरप्पन साइट्स में किसी एक साइट के कैरेक्टरिस्टिक दिए जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में ये वाटर हार्वेस्टिंग कौन साइट में अच्छा है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ओके तो साइट्स स्पेशली जो है यह भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेशली फर्स्ट कुछ पार्ट है हिस्ट्री का स्टोन एज आई ठीक है चालकोलिथिक एज इसके साइट्स यहाँ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं या अशोकन इंस्क्रिप्शन की कुछ साइट्स हो सकती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब दूसरा जो पार्ट यहाँ आता है ये आपको दिखता है दैट इज कॉन्प्चुअल क्वेश्चन सर आपको हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट कहां से आ गई हिस्ट्री में जो टर्म्स होती है उस टर्म्स के बेसिस पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं एक उस टर्म का मीनिंग कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको पूछा जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल के दूसरा उस टर्म का सिंपल मीनिंग पूछा जाएगा ओके okay. जहां जैसे यहाँ है ये अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो ये दिस ऑल क्वेश्चन और हिस्सर ये कहीं ना कहीं कुछ टर्म है उसके एक प्रॉपर आपको मीनिंग पता होगा अगर उसका कॉन्सेप्ट का मतलब पता होगा तभी आपको पता चलेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक आप दिख रहे हैं काफी सिंपल वर्ड दिख रहा है कि धर्मा ओके यू विल फाइंड ओवर हियर कि फॉर एग्जांपल जैसे धर्म ओके एंड रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके तो ये धर्म और रीता जो है अगर आप नॉर्मल आपका वैदिक एज का भी चैप्टर पढ़ते हो ओके okay, वैदिक हिस्ट्री अर्ली वैदिक हिस्ट्री भी अगर पढ़ते हैं सो दैट टाइम यू विल फाइंड दिस वर्ड्स मेंशनड ओवर देयर बट धर्म का एग्जैक्टली exactly मीनिंग क्या है ओके, okay, बिकॉज़ as का अलग होता है okay, और यहां धर्म जो है पूछा गया है, हो रही है। वेदिक के में धर्म का मतलब क्या होता है तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्चुअली यूपीएससी कहीं ना कहीं यहां चला गया है और फिर रीता जो ओवरऑल कॉस्मिक ऑर्डर जिसको हम कहते हैं okay, पूछा गया है अगले यहां सेंटेंस में आपको तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इज देयर

ओके okay. वही कैवल्य कॉन्सेप्ट होती है जैनिज्म में राइट right? तो ये फिर निर्वाणा जो कॉन्सेप्ट होती है ये बुद्धिज्म में इसका मीनिंग क्या है अब अगर देखना चारों भी अगर जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा इसको तो ऑल द फोर सेंटेंसेस सिम टू बी राइट ओवर हियर ओके कि निर्वाणा इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट निर्वाणा इज अ कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ सेल्फ सब तो सही लगता है बट द आंसर इज एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर एंड हाउ डू यू आंसर अंडरस्टैंड दैट वेन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन कॉन्सेप्ट

ओके okay. फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगेन ये हुंडी मतलब क्या होता है इसका यहां क्वेश्चन पूछा गया तो यहां कॉन्सेप्ट इतना नहीं है बट उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है एक्चुअली ये पूछा है या अगर फॉर एग्जांपल मेडिवल इंडिया के 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 रिगार्डिंग रिगार्डिंग फनम क्या है ओके okay. तो यू विल सी अ पैटर्न ओवर हियर कि सेम टर्म्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे एंशियंट हिस्ट्री पे क्वेश्चन है सेम रिगार्डिंग अगर आप देखते हो तो सिंपल उस टर्म का मीनिंग क्या होता है उसके रिगार्डिंग आपको मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चंस दिखते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री में शायद ऐसी टर्म्स होगी यह हमें कहीं ना कहीं पता करना काफी इंपॉर्टेंट है विच वी आर ऑफकोर्स कवरिंग इन आर क्लास ओवर हियर अब आगे आगे देखते हैं ठीक है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हियर ओके अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थी चाहे वो एंशंट इंडिया की है मेडिवल इंडिया की है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो, जो होता है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कहीं ना कहीं मेडिवल हिस्ट्री में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि हाउ द प्रोविंसेस आर अरेंज्ड ओवर हियर ओके ओवरऑल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था परगना सरकार सुबह उनके साइज के हिसाब से यह क्वेश्चन पूछा गया ओके फिर अगर आप नेक्स्ट यहां देखिएगा कि यू विल फाइंड ओवर ईयर दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग यहां पे क्वेश्चन है तो व्हेन इट कम्स टू मेडिवल हिस्ट्री आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो भी काफी पढ़ना जरूरी है हमें एनी मॉडर्न हिस्ट्री में हम वो पढ़ते भी है ओके okay. तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं ये मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस ला रहा हूं ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट ऑलमोस्ट टेन इयर्स में पूछे गए हैं ठीक है ठीके? कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बस आपको टाइप समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ ठीक है नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज ऑन द क्रोनोलॉजी और डेट्स अब देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु से कि सर ओके okay, या फिर आपको भी काफी बार क्लासेस भी बताया गया होगा कि डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हिस्ट्री में होती है Okay. शायद okay. लेकिन कुछ कुछ टाइम हो. okay. पीरियड होनी चाहिए क्रोनोलॉजी पे हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्जर्व करके देखना क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं टाइम पीरियड पे क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल यहां अगर देखिएगा आप फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर् सेवन सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वे आर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया कौन से किंगडम्स नॉर्दर्न इंडिया में पावर्स होल्ड कर रहे थे दिस इज द क्वेश्चन तो आपको हर्षा के गुप्ता के डिक्लाइन के बाद अब गुप्ता का डिक्लाइन कब होता है और हर्षा जो है फॉर एग्जाम्पल सेवन सेंचुरी में आता है तो उसके बीच में कौन सी डायनेस्टीज थी इसमें अब हर डायनेस्टी का थोड़ा बहुत आइडिया अगर टाइम पीरियड के बारे में आपकी होगी तो अफकोर्स यू इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऐसा नहीं कि हंड्रेड परसेंट आपको याद रखना है काफी बिगर इवेंट्स होते हैं शायद ओके okay, तो उसकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए कहीं कही ना कहीं बट ये वगैरह होती है उसका ओवरऑल पीरियड अगर पता होगा तो इज बेटर थिंग हियर आप इसको अलग तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इलिमिनेशन से भी बट आप इलिमिनेशन भी यूपीएससी ने इलिमिनेट कर दिया है तो इट्स रिवीजन ऑफ द थिंग्स अब यहां सेकंड क्वेश्चन यहां देखिएगा ओके okay? चंगेज खान जेट आता है इंडिया में तो किसका राज था वॉज इट इलतुतमिश्र राज ये क्वेश्चन है

बाबर ने टू को और कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि 1526 में बैटल बैटल होती है ऑफ पानीपत ओके और इस बैटल ऑफ पानीपत में बाबर लोदी तो चला अब उस टाइम पे इसमें से कौन से संत है इसकी थोड़ी आइडिया होनी चाहिए तो अगेन टाइम इज इंपॉर्टेंट ओके इसको याद रखना यहां फॉर एक्साम्पल विच अमंगस अगेन इसमें से सबसे पहले कौन सा हुआ तो क्रोनोलॉजी पूछिए ओके यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन संत निम्बार का वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लू बाय शेख अहमद शे सिरंदी ऐसा है यह क्या नहीं ओके okay. तो ये कहीं ना कहीं डिरेक्टली क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन होगा या इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन हो गए तो थोड़ी बहुत टाइमिंग की जानकारी होनी चाहिए जो हम हमारे क्लासेस में अच्छे से कवर करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके okay, चलो अब ये हुए हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस और एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है जो जनरली होता है हमारा ठीक okay, है मैचिंग पेयर्स कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं मैच द फॉलोइंग पेयर्स ओके जनरली इसमें ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के हेड कौन या किसने स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन या न्यूज़पेपर का नाम दिया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको और ये न्यूज़पेपर जो है ये इसके फाउंडर कौन थे एडिटर कौन थे ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ राधा देव ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन ठीक है सुमरनाथ बनर्जी वॉज यॉज या फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ये आपको मैच द फॉलोइंग पेयर है ओके यहाँ एक्ट्स के बारे में है ये क्वेश्चन okay. तो ये पेयर्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक लास्ट और सर देखिएगा यहाँ मैं एस सच ये नहीं कह रहा हूँ कि फैक्चुअली सारे फैक्चुअली एस सच क्वेश्चन है ओके okay. बस तो उसके टाइप्स अलग अलग हैं और यहाँ अगर देखा जाए तो देर इज वन मोर ट इज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन काफी बार क्या होता है कि कुछ हिस्टोरिकल इवेंट जो होता है या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के बारे में कुछ करंट अफेयर में न्यूज होता है क्वेश्चन okay? okay? जैसे यहाँ यूल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिसेंटली

क्यों मैं ये सारे क्वेश्चंस के टाइप्स आपको बता रहा हूं सो दैट नेक्स्ट टाइम यू रीड अ बुक ओके एंड व्हेन यू सी अ सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके मन में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन शायद इस तरीके का पूछा जाता है इसकी और अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बढ़ेगी जब आप सारे पी क्यू सॉल्व करने का ट्राई करोगे उसको ऑब्जर्व करने का ट्राई करोगे ओके सो आई होप दैट्स क्लियर वोहरियर नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पार्ट जो आता है कि सर कौन से सोर्सेज जो है हमने हिस्ट्री के लिए फॉलो करने चाहिए ओके okay. वैसे तो ये काफी ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आजकल आप देखते हो कि ऐसे कुछ कुछ बेसिक रेफरेंस बुक्स है उस पर भी सवाल पूछा गया है उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन देखिएगा एज अ स्टूडेंट यू कैन नॉट रीड दिस रेफरेंस बुक्स फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे आके कह दे कि उपिंदर सिंह से लास्ट टाइम काफी सवाल पूछे गए थे ओके बट यू एज अ स्टूडेंट कैन नॉट रीड ऑल दो बुक्स रेफरेंस बुक्स या एल बशम से आपको पूछा है या आप सारी सारे बुक्स पढ़ पढ़ पाओगे बिकॉज आपको तो सबसे पहले एक हिस्ट्री नहीं पढ़नी है हिस्ट्री अगर कंप्लीट सब्जेक्ट देखा जाए तो सिक्स डिफरेंट हिस्ट्रीज ओके फाइन सो ट है मिडिवल है मॉडर्न है आर्ट एंड कल्चर है देन देर इज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देर कम्स वर्ल्ड हिस्ट्री प्रम्स में इसमें से चार हिस्ट्रीज आपको पढ़ना है अलग अलग टाइप के ओके तो वॉशनेस इज देयर ओके सेकंड है कि आपको बस हिस्ट्री नहीं पढ़ना ना एट हैव टू लर्न मल्टीपल सब्जेक्ट्स तो इसलिए मैं जनरल रिकमेंड नहीं करता कि ये बेसिक रेफरेंस आप बुक्स भी पढ़िएगा यस दैट थिंग विल डू एज अ टीचर आई कैन डू दैट आई हैव रेड दैट बुक्स अफकोर्स और वो उस सारे उसके जो रिलेवेंट एस्पेक्ट है हमारा है नोट्स में इंक्लूड करने का ट्राई करते हैं जब भी क्लासेस होती है जैसे हमारे पीई प्रोग्राम में भी वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड थिंग्स इन द नोट्स ओवर हियर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग तो कौन से कौन से बेसिक बुक्स फिर आपने पढ़ना चाहिए ओके okay. तो उसकी थोड़ी सी लिस्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि व्हाट सोर्सेस शुड बी देयर एज अ बिगिनर ओके या फिर यू आर अपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स आल्सो इमीडिएटली जो भी ईयर आपका है और तीन चार महीने बचे तो कौन से बुक्स एक्चुअली आपने पढ़ना चाहिए सो लेट्स सी दोस फर्स्ट फॉर एंशिएंट हिस्ट्री देखिए कि एंशियट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आपका होगा दैट विल बी दिस पर्टिकुलर बुक ओके दैट इज आर एस शर्मा आर एस शर्मा जी का जो ये ओल्ड एनसीआरटी है दिस इज ओल्ड हियर ये बुक सबसे पहले आपको यहां पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मेन आपका रेफरेंस बुक होना चाहिए या रेफरेंस मतलब नॉर्मल एक एनसीआरटी है बाकी तो अगर किसी को पढ़ना है तो क्लास सिक्स का आपके न्यू एनसीआरटी भी आप पढ़ सकते हो ओके okay. फिर क्लास ट्वेल्व का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री ये भी पढ़ सकते हैं ओके बट अगर लेट से आपके पास उतना टाइम नहीं है तो इमीडिएटली अगर आपको मेन कोई बुक अगर पढ़ना है तो यू स्टिक टू दिस बुक ओनली ये और इसके अलावा ये जो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है ओके okay. इसमें एशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट है इस एंशियन हिस्ट्री के पार्ट में स्पेशली जो साउथ इंडियन डायनेस्ट के बारे में कुछ टॉपिक्स दिया ना, वो पढ़ लीजिएगा ओके okay. मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर कम टाइम है शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना है तो दिस शुड बी योर फर्स्ट बुक दैट शुड बी बेसिक बुक फॉर एंशियट हिस्ट्री एंड सेकंड वन इसमें से जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज है इसको आप पढ़ लीजिए ओके okay. फाइन इससे भी आपका काफी अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन हो सकता है ओके दैट इज वन सोर्स नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट दैट इज मेडिवल हिस्ट्री अब मेडिवल हिस्ट्री में मुझे लगता है दर इज ओनली वन बुक दैट शुड रेफर दैट इज योर सतीश चंद्रा बुक सतीश चंद्रा जो है इनका आप बुक यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो। हो, okay. बाकी आलागा, उसके का yes, का जो new आप पढ़ सकते इतना के पास नहीं होता तो मेन बुक जो है आपका ये होना चाहिए एज सच सतीश चंद्रा का जो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया है ये बुक इज नॉट रिटर्न दैट वेल ओके कहीं ना कहीं देखिएगा टू रेफरेंस बुक्स फ्रॉम विच दिस बुक हैज हैजन टेकन सितिन चंद्रा जी के दो बुक्स है एक्चुअली मिडिल हिस्ट्री पे बिगर बुक्स आर देयर एक दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री पे कंप्लीट बुक है और दूसरा दिल्ली सल्तनत के बाद जो हिस्ट्री है उस पर एक बड़ा बुक है उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रैक्ट करके ये कंटेंट बनाया गया है इस बुक का तो ये बुक उतना भी पढ़ने के लिए इतना अच्छा नहीं है ओके okay? बट उसके अलावा अगर आपको ये बुक नहीं पढ़ना है और मिडिल हिस्ट्री सर हमें काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है तो ऑल यू हैव टू डू इज मेरी जो नोट्स है आप वो मिडिल हिस्ट्री के यहाँ पढ़ सकते हैं ओके इसमें मोस्टली इस बुक का और बाकी जो रिलेवेंट कंटेंट है है उसके हिसाब से कुछ नोट्स क्रिएट ओके वो भी आपको काफी मददगार यहाँ साबित हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स आपका एक ही होना चाहिए दैट इज स्पेक्ट्रम ओके जो राजीव जी का स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया है ये बुक आप पढ़ना आई वॉन्ट रिकमेंड यू एट दिस स्टेज कि आप बिपिन चंद्रा जी का कोई बड़ा बुक पीजिएगा या एंड गौर का कोई बुक पढ़ना अब नहीं वो तो टाइम चला गया किसी को एज ए सोते वक्त किसी को एज अ हिस्ट्री बुक को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो लेकिन फिल्म के लिए स्टिक टू दिस पर्टिकुलर बुक अगर ये बुक पढ़ते हो तो फिर बाकी क्लास एट का एन या फिर थिम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री जो है ये भी पढ़ने की आपको वैसे जरूरत नहीं है क्लास ठीक है पढ़ना तो पढ़ सकते हो बट दिस इज द मेन बुक शुड बी हैविंग ओके okay? चलिए और फिर आते हैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ अब आर्ट एंड कल्चर की तरफ देर इज एन एनसीआर दैट इज इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट ओके ये इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट जो एनसीआर है मुझे लगता है यू शुड रीड दिस वंस ओके या फिर आपको ये स्किप करना है तो फिर उसके रिलेवेंट सारे चैप्टर्स जो है यू कैन रीड फ्रॉम दी दिस पर्टिकुलर नितिन सिंगानिया का जो बुक है इससे आप पढ़ सकते हो ओके okay? इससे भी सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं

प्लस सम पार्ट ऑफ दी टी एन हिस्ट्री तमिलनाडु बुक जो हिस्ट्री का बुक है उससे बोर्ड का मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र राव दैट इज ओल्ड एनसीआरटी थर्ड आपके लिए यहाँ कहीं ना कहीं आता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और फोर्थ है आर्ट एंड कल्चर के लिए सर्टन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नितिन सिंघानिया बुक जब आप एंशियट हिस्ट्री पढ़ते हो तब तो भी आपके कुछ ना कुछ आर्ट एंड कल्चर के उसमें एस्पेक्ट कवर होते हैं बट स्पेशली है अगर आपको इससे पढ़ना तो यही तो ये यह बेसिक इतना तो आप पढ़ के जा सकते हो स्टिल यू कैन यू कैन हैव अ अक्ट्री गुड रन एट द एग्जाम

और प्रीलिम्स के लिए चार ऐसी हिस्ट्रीज हमें पढ़नी है पढ़ और उसके बाद आते हैं पंद्रह क्वेश्चंस और उसमें भी पता नहीं कहाँ से बाउंसर क्वेश्चन okay. कह, कह सकते जो मैंने आपको दी। आप, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हैत्त okay. किरुताल जो होता है ओके विच इज द संगम पोएम्स ये क्या है वत्त किरुताल विच इज मैं संगम पोएम्स है क्या ओके okay. अब िस यूड नॉट फाइंड इन आर स्टैंडर्ड बुक जनरली आपको इसके लिए अ बुक लाइक उपिंदर सिंह पढ़ना होगा ओके अगेन यहाँ आपको हिस्ट्री में कोई मास्टर्स तो करनी नहीं है तो फिर ऐसे सोर्सेस को कैसे हैंडल किया जाए ये काफी बड़ा एक्चुअली ये होता है कि एक सोर्सेस से सर सारे आंसर्स नहीं आते students स्टूडेंट्स आसकर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके तो ऐसे वक्त क्या करना है विल डिस्कस ठीक है फिर उसके बाद थर्ड चैलेंज होता है कि सोर्सेस में भी अब चेंज कर रहा है यूपीएससी कभी एनसीआरटी से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछा लिखता है कभी कभी ऐसा लिखता है कि Non आपको दिख जाएंगे ठीक है फैक्चुअल काफी सब्जेक्ट है क्रोनोलॉजी याद करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि पे होते है। okay, तो उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब तो यूपीएससी ने टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से ऑलमोस्ट को दिया ठीक है यूज करना ही होता है ओके okay, जब आप गेस्ट वर्क करते हो तो कुछ न कुछ माइंड में बैक ऑफ द माइंड यूल डू एलिमिनेशन हो रही है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का एग्जाम वॉज कम्पेरेटिवली हार्डर ओके आई कैन टेल दैट बिकॉज ऑलरेडी आई हैव क्लियर क्लिम्स फोर टाइम्स ऑन द टॉट कुछ ऐसे भी ईयर्स थे वेर आई हैड गॉट वन फोर्टी प्लस मार्क्स ओके तो एक साल वन फोर्टी नेक्स्ट साल में भी वन उससे भी ज्यादा वन फोर्टी फोर मुझे एक्चुअली मार्क्स आए थे सो आई कैन टेल यू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का एग्जाम वॉज डिफिक्टल्टल्ट कंपेर्ड टू द अर्यर एग्जाम्स ओवर ईयर ओके रिसेंट पैटर्न में भी मैंने एग्जाम क्लियर किया है तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो सच इट्स डिफिकल्ट बट अगेन ये इलिमिनेशन का स्कोप काफी कम हो चुका है ओके okay. तो इसने और एक प्रॉब्लम ऐड कर दिया कहीं ना कहीं हिस्ट्री प्रिपेयर करने में तो ऐसे वक्त सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी हिस्ट्री प्रिपेयर करने में सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो भी बेसिक सोर्सेस मैंने आपको बताया ओके okay. सबसे पहले ये जो बेसिक सोर्सेस है ना इसके स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए इसका रिविजन आपने अच्छे से करना है दैट शुड बी वन थिंग और भी मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा ओके फाइन सेकंड जो है अब इस पे यह मत जाना कि सर कोई अलग बुक से कुछ पूछा गया तो भी बुक उठनी आप नहीं पढ़ सकते सर कोई चीज ओके okay, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया तो है तो सबसे पहले स्टिक टू द बेसिक सोर्सेज दैट वी हैव ओके फाइन सेकंड सेकंड थिंग यहां पे कहीं ना कहीं आती है कि जब आप बेसिक सोर्सेज को यहां पढ़ते हो तो उसको रिवाइज करना सीखिएगा बार बार रिवाइज करने का ट्राई कीजिएगा ओके okay, अब यहां कहीं ना कहीं सारे पार्ट जो हिस्ट्री के इसको कवर करने का ट्राई करो क्योंकि लेट से आपने मॉडर्न हिस्ट्री काफी अच्छे अच्छे पढ़ सके और लेट से मॉडर्न हिस्ट्री से दो ही क्वेश्चन आए और उसमें से ऐसा कुछ अलग डेट पूछ लिया कि आपको आंसर ही नहीं दे पाया उसका तो फिर क्या करोगे राइट right? तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा तो कम से कम मेक श्योर sure कि जो आपको उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्ट्री ये लगता है कि जो इजियर साइड में है फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ लेकिन मिडि हिस्ट्री भी स्किप मत करना मतलब प्रायोरिटाइज करना लेकिन किसी को स्किप मत कीजिएगा ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ प्रायोरिटी तो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज करना तो काफी इंपॉर्टेंट है ओके okay. लेकिन किसी चीज को स्कीप नहीं करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉरियर ओके कवरेज यहां करना है okay. है ओके सारी की सारी सॉल्व करना वो थ्रू पीवाई क्यूज उसके थ्रू पैटर्न समझने का ट्राई कीजिएगा वैसे सारी प्रिवियसर क्वेश्चन में हमारे क्लास में वैसे कवर करने ही वाला हूं ओके क्लासेस के थ्रू बट यहा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट अब अनकन्वेंशनल कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो शायद कभी कभी आपको क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं तो रीड दो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ एम सी सॉल्व करते हो टेस्ट सीरीज की और उसमें अनकन्वेंशनल टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर इसका जो है नोट्स क्रिएट करके रखना कंप्लीट बुक पढ़ने से अच्छा है कि कभी कभी आप यम सी क्यू को सोल्व किया उसमें अलग कुछ टॉपिक जो था आपने पहले पढ़ा नहीं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो ट्राई टू मेक श्योर कि उसको कहीं ना कहीं मार्क करके रखो ताकि बाद में आप उसको रिवाइज करें इंपॉर्टेंट होता है तो कंप्लीटली जो अनकन्वेंशनल टॉपिक है आप इस तरीके से स्किप मत कीजिएगा ओके दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में हमेशा याद रखो इसको यहां बस कॉन्सेप्चुअल नहीं है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है डेट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इट्स नॉट लाइक दैट टू मग अप इच एंड एवरी डेट लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ ना कुछ की जानकारी आपकी होनी चाहिए ओके प्लीज कीप दिस इन माइंड देर आर लॉट्स ऑफ पीपल देर आर सर्टन टीचर्स कि नहीं इतना फैक्चुअल नहीं होता है पेपर देख लो फैक्चुअल होता है ओके तो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्ट और ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स मोर फैक्चुअल सो यू नीड अ बेटर रिविजन ऑल्सो दैट रिविजन कैन हैपन थ्रू एम सिक्यूर्स थ्रू योर प्रैक्टिस दैट रिविजन कैन हैपन थ्रू एक्टिव रिकॉलिंग ऑल्सो ओके अब सारी डेट्स नहीं याद रखनी है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ ये डेट शायद है ओके वेन डेट गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च ये डेट शायद इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स होगी जो शाखा कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ ओके फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ कुछ डेट्स जो होती है ये कम से कम आपको याद रखने का ट्राई करना ओके okay, फाइन फिर जो करंट अफेयर्स में हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिगार्डिंग न्यूज होती है ओके okay, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिगार्डिंग न्यूज जो है ये भी थोड़ी सी आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए मतलब इन शॉर्ट करंट अफेयर्स बेस्ड जो हिस्ट्री करंट अफेयर्स के आपके क्लासेस होते हैं क्रैश कोर्स में होते हैं यूट्यूब पे होते हैं उसको देख लेना बस तीन चार घंटे का क्लास होता है उससे भी आपका अच्छा इसके प्रिपरेशन हो जाएगा और फिर रिवाइज एंड प्रैक्टिस आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्ट एम सी क्यू जो वॉरियर ओके तो ये ऐसे कुछ कुछ चैलेंजेस जो है ये हिस्ट्री में होता है और इस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए वी शुड हैव दिस पर्टिकुलर ओवर हियर ओके okay. और एक लास्ट चीज कि आपको ऐसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए दिख जाएगा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में क्वेश्चन हैज बीन आस्ट आपको उस ईयर सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में कुछ न्यूज थी दैट्स दिस क्वेश्चन वाज आस्ट बट अफकोर्स वी रीड दैट राइट एंड तो ऐसे right? तो क्वेश्चन से डर मच जाइएगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया कभी बुक में ही नहीं था फिर भी पूछा गया ऐसा नहीं उससे डरना नहीं है कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा होते हैं ओके फाइन सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग और इसी के यही एक्चुअली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है देखिएगा वी शुड स्टिक टू बेसिक्स जितना बेसिक्स विल एक्चुअली स्टिक टू हमेशा उतना हमें फायदा होता है ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है सो वि के साथ साथ ये पर्टिकुलर सेशन हम एंड करते हैं ओके और बाकी ऐसे कुछ सेशंस मेरे हिस्ट्री पे आपके आते रहेंगे ठीक है थैंक यू